आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी समारोह के संबोधन में कहा कि सामाजिक सद्भाव और एकता के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर व्यक्तियों और परिवारों के बीच मैत्री का होना जरूरी है, लेकिन बांग्लादेश में यह बात फैलाई जा रही है कि भारत उसके लिए एक खतरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर और दयानंद सरस्वती जैसी महान हस्तियों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया समाज और देश के लिए किया है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में वार्षिक विजयादशमी उत्सव में शस्त्र पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हर साल ये कार्यक्रम दशहरे के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद मोहन भागवत संघ के सदस्यों को संबोधित करेंगे। मोहन भागवत के इस संबोधन में कई संदेश भी होते हैं। संघ सदस्यों के लिए ये दिन काफी अहम है। दरअसल हर साल विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र की पूजन की जाती है। इसी दिन संघ की स्थापना की गई थी। 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। इस साल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन पूर्वाध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित हुए थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।